स्टूडेंट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन. आपका जो स्क्वायर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर्स नंबर्स तो आपको आ गए कि स्क्वायर्स नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं. अब स्क्वायर्स नंबर आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है 3.1, बुक की जो एक्सरसाइज है 3.1 उसमें बहुत सारे आपको स्क्वायर्स नंबर फाइंड करने के लिए दे रखे हैं. ओके, फर्स्ट को स्क्वायर कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ, जो रिटर्न आपका क्वेश्चन है रिटर्न नंबर में बहुत सारे नंबर्स आपको स्क्वायर्स नंबर्स में फाइंड करने के लिए दे रहे हैं. बट मैं आपको यहाँ पर ऐसे नंबर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका जो एंडिंग है वो किससे होता है, 5 से होता है. आपको कुछ ट्रिक ऐसी होती है, वैसे तो आपको स्क्वायर्स नंबर फाइंड करना आते हैं कि स्क्वायर्स नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं. कि मैंने कोई सा भी दे दिया, मैंने सपोज दे दिया 25, तो आप बोलोगे कि 25 में 25 का मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा. बट अगर जिसका एंडिंग 5 से होता है तो इसके कुछ मेथड भी है कि जिन नंबर्स का एंडिंग 5 से होता है उसको हम स्क्वायर्स नंबर्स कैसे फाइंड करें. जैसे नंबर एंडिंग विद 5, हम एक मैंने नंबर ले लिया आपका 75, इसका जो एंडिंग है वो किससे हो रहा है, 5 से. ये जो मेथड है सिर्फ जिनका एंडिंग 5 है उसी पर अप्लाई करना है. ओके, अब इसमें क्या करना है, फाइंड 75 स्क्वायर. 75 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है. अब हमने ये चेक कर लिया कि इसका एंडिंग किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है. तो जिनका एंडिंग 5 से होता है उसमें ही ये मेथड आपकी लगेगी. तो सबसे पहले मैंने किसका स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर करा. 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25. इसका 1 प्लस कितना है, 5 है, तो मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया. 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये 25 आ गया. अब उसके बाद इसमें क्या करना है, इसकी 10 स्पेस क्या है, 7 है. कितनी है, 7 है. तो 7 और 1 इसके आगे का नेक्स्ट नंबर, 7 तो ही गया. 7 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है आपका, 8 आता है. तो 7 मल्टीप्लाई 8, 7 ऐसे कितने होते हैं, 56. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 56. तो अगर आप देखोगे चेक करोगे तो 75 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है आपका, 5625. ये मेथड इजी भी है, इसमें आपको टाइम भी कम लगेगा. आगे आपको समझ में, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, 5. तो यहाँ 5 ही है. 5 का मैंने क्या करा, स्क्वायर करा, तो कितना आया, 25. ये 25 आ गया. उसके बाद इसका 7 लिखा हुआ है, तो 7 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है, 8 होता है. तो 7 8 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 कितने होंगे, 56. तो हमारा आंसर इज 5625. तो 75 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 5625. ओके, आपकी बुक में आप ऐसे दूसरे क्वेश्चंस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 25. सपोज हमने क्या लिया, 25 से चेक करते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं करेक्ट. सपोज आपने ले लिया 25 होल स्क्वायर. ओके, अब 25 होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे. 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25. 5 किसका स्क्वायर करा हमने, ये 5 का. 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25. ओके, अब ये 2 है, 2 और इसके नेक्स्ट नंबर, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 होता है. तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 6. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 625. मतलब 25 का जो होल स्क्वायर होता है, 25 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया आपका, 625. आ गए आपको ये मेथड समझ में. ये सिर्फ इस पर अप्लाई करना है जिसकी वन स्पेस पे कितना लिखा हो, 5. बाकी की मेथड वही है कि उसी नंबर का उसी नंबर पे मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे. आपकी बुक में बहुत सारे स्क्वायर्स नंबर आपको फाइंड करने के लिए दिए हैं. मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, होमवर्क में आपको सॉल्व करना है. और ये मेथड सिर्फ जिसकी वन स्पेस पे 5 हो उसी पे आपको अप्लाई करनी है. एक्सरसाइज 3.1, रिटर्न टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. रिटर्न टाइप जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कैलकुलेट द स्क्वायर. जैसे 37 है, 37 का स्क्वायर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो 37 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए 37 का क्या लगाएंगे आप स्क्वायर, 37 मल्टीप्लाई 37. राइट क्या हमने, 37 मल्टीप्लाई 37 का आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा किसका आंसर कितना आता है. 77 का कितने होते हैं आपके, 49. 9 आया, 4 के ही करा हमने. 73 का कितने होते हैं, 21. 21 और 4 कितने हो गए आपके, 25.
21, 22, 23, 24 and 25. अब 3 से टाइम 3 7 का कितने होते हैं आपके 21, 1 2 के ही 3 3 का 9, 10 11, 9 5 4 1 6, 2 1 3 and 1 8. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नाउ 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 इज अवर आंसर. ओके, इस टाइप से आपको इसको फाइंड करना है. ये आपको आ गया समझ में कि कैसे करते हैं इसको. इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं आपको. मैं आपको होमवर्क में या दे रही हूँ, उसको आपको अपनी कॉपी में करना है. आपको दे रखा है 42 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है. थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको 93 का स्क्वायर फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 4 51 का स्क्वायर फाइंड करना है. ये तीन क्वेश्चन है. और एक और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन भी दे रखा है 75 का, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ. जैसे ये 4 क्वेश्चन से आपको अपने होमवर्क में करना है.